जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों का बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि सर जितने भी एक्सरसाइज हैं लगभग सभी का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट तो हो गया है और सभी लोग बताते हैं, लेकिन ये जो आपका चैप्टर है समाकलन का अनुप्रयोग, ठीक है, तो इस समाकलन के अनुप्रयोग का जो एक्सरसाइज 8 है जो आपका है वक्र का क्षेत्रफल, इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहीं पर देखने को नहीं मिला है। तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बता दीजिए ताकि यदि इससे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछेगा तो उस सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बना पाएंगे हम, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो है आप लोग के डिमांड पर लेकर आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको इससे पहले कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है ना बाबू। आइए अब क्या है कि आज का जो आपका सेशन होने वाला है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अब उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, यानी उसका 1 से 2 सेकंड में मान कैसे निकालना है, यानी उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ठीक है ना बाबू। आइए सबसे पहले आपको यहां पर जो है कुछ समीकरण दिया गया है और खासकर यही समीकरण जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ज्यादातर यही समीकरण आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पहले समझ लीजिएगा कि यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर कहेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, या इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, या दिए गए वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 36 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2 के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 3 के स्क्वायर बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 25 बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, और इसी तरीके से 4x² + 9y² बराबर 36 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा, हम पूरा भाषा नहीं लिखे हैं, केवल और केवल वक्र यहां पर लिखे हैं और आपको कहा जा रहा है कि इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, या फिर आंसर क्वेश्चन देखकर ही उसका आंसर कैसे करेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मालूम है, ध्यान दीजिए इधर, 9π वर्ग मात्रक। यदि आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 16π वर्ग मात्रक। यदि आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 36/25π वर्ग मात्रक। कंफ्यूज मत होइएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, आप भी लिख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो ऐसे सवाल जो आपको एग्जाम में ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज कर देता है कि बनेगा कैसे, ठीक ना, तो इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अभी बता देंगे, आसानी से सवाल बन जाएगा। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल आपको कहेगा निकालने के लिए, तो इसका हो जाएगा आपका 6π वर्ग मात्रक, ठीक है बउआ। यदि आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसका हो जाएगा 20π वर्ग मात्रक, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 6π वर्ग मात्रक, ठीक है, 6π वर्ग मात्रक। तो इस तरीके से अब आप क्वेश्चन देखकर ही किसी भी सवाल का आंसर कर सकते हैं आसानी से, जैसे अभी हम लिखे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम कैसे लिखे हैं, तो जैसे हम लिखे हैं वैसे आप भी लिख सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है और अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी रखना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या, हमने क्षेत्रफल जो निकाला ये क्षेत्रफल कैसे निकाला, किस तरीके से आखिर इसका आंसर हमने कैसे निकाल दिया, ठीक है। पहले आपको समझना है कि आखिर ये जो वक्र आपको दिख रहा है ये वक्र आखिर किसका वक्र है, ठीक है। तो आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये होता है वृत्त का वक्र,
या वृत्त का समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। यह है आपका वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यह है वृत्त का समीकरण। और इसका जो खास बात है वो यह है कि इसमें जो होता है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र जीरो जीरो यानी मूल बिंदु पर होता है, ठीक है। वृत्त का केंद्र जीरो जीरो पर होता है और वृत्त की त्रिज्या यहां a के बराबर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या a के बराबर है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब भी आपको इस टाइप का कोई भी वक्र दिया हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के रूप का, तो आपको समझना है कि यह वृत्त का समीकरण है। और ये जो आपको वृत्त का समीकरण दिया हुआ रहेगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यानी इसके साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, अकेला एक्स स्क्वायर होना चाहिए और यहां अकेला वाई स्क्वायर होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव में खासकर यही रहता है, ठीक है ना। इसलिए मतलब प्रॉपर उसी पॉइंट पर बात करेंगे। ऐसे इसका बहुत मतलब अलग टाइप का व्यापक समीकरण है जो क्लास इलेवेंथ में पूरा का पूरा पढ़ना है या क्लास ट्वेल्थ में इसके बारे में भी पढ़ना है, थोड़ी सी जानकारी पढ़ना है, लेकिन क्लास इलेवेंथ में इसका पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो यदि आप इसका डिटेल जानना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम इसका पूरा डिटेल आपको बता सकते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या है या फिर प्रबलय का समीकरण क्या है या फिर दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है या फिर अति प्रबलय का समीकरण क्या है, ये पूरी जानकारी भी आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप समझने का प्रयास कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिएगा, तो यदि ऐसा रहेगा इसका मतलब है कि उसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर है यानी जीरो जीरो पर है, और यहां पर जो लिखा हुआ रहता है यहां पर बराबर के दूसरे साइड जो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वो जो होगा उसके वृत्त की त्रिज्या को दर्शाएगा, उस वृत्त की त्रिज्या को दर्शाएगा। और ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर जो आपको कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा वो स्क्वायर के फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए कि यहां तीन का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो या तो तीन का स्क्वायर होगा या फिर नौ होगा या फिर कोई भी संख्या होगा, तो आप उसका वर्ग कर सकते हैं स्क्वायर। तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के छोड़कर जो आपको ये दिखेगा संख्या, ये कहलाएगा वृत्त की त्रिज्या। यदि हम आपसे पूछे कि ये जो आपका वृत्त का समीकरण है इसकी त्रिज्या कितना है, तो एक के बराबर। यदि पूछे कि इसकी त्रिज्या कितना है, तो 16 है ना, 16 को लिख सकते हैं चार का स्क्वायर, यानी इसमें वृत्त की त्रिज्या चार हो जाएगा। यहां पर यदि आपसे पूछे कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो गौर कीजिएगा, आपको तो पहले क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहां एक्स स्क्वायर के साथ 25 है, वाई स्क्वायर के साथ 25 है, जो नहीं होना चाहिए, पहले इसको हटा देंगे। तो जैसे ही 25 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 36, और गुना में उधर भाग में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 बटा में 25, यानी हो जाएगा आपका 6/5 के स्क्वायर। यदि पूछेगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा आपका 6/5। कभी कभी आपसे त्रिज्या भी पूछ दिया जाता है, तो जब त्रिज्या पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो कांस्टेंट होगा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर को छोड़कर जो आपको कांस्टेंट दिखेगा वो कहलाएगा वृत्त की त्रिज्या। यदि आपसे पूछे कि इसका केंद्र कहां पर है, तो गौर कीजिएगा, हमेशा यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, अकेला हो, इसके साथ कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तो समझ लेना है कि इसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर। यह सब सवाल आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो आपसे केंद्र पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं, यदि आपसे इसका त्रिज्या पूछेगा तो भी अब आप आसानी से बता सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए अभी थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, क्योंकि उसके पीछे का पूरा बाउंड्री हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अब आप बता सकते हैं। जैसे एक सवाल और यहां पर लेते हैं, मान लीजिए कि यहां लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81, आपसे पूछे कि इसका केंद्र का नियामक क्या होगा, तो केंद्र का नियामक तो 0, 0 होगा। और यदि पूछे कि इसकी त्रिज्या कितना है, तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। अब यहां देख लीजिए, इसकी त्रिज्या यदि कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 के बराबर, नहीं, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 के बराबर। तो शायद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का केंद्र। एक चीज और, यदि थोड़ा सा इसको और डिटेल करें, तो केंद्र के लिए ध्यान से देखिएगा, यदि कभी आपको समीकरण ऐसा लिख दे, देखिए इसका मूल समीकरण होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर, यह है वृत्त का मूल समीकरण, ठीक है।
यह वृत्त का मूल समीकरण, जिसमें यहां पर ए का मान और यहां पर बी का मान जो होता है यह केंद्र का नियामक होता है, यह केंद्र का निर्देशांक है। हम क्लियर ही कर देते हैं, यह है केंद्र का नियामक, ठीक ना, यह केंद्र का नियामक होता है और यह होता है वृत्त की त्रिज्या, यह होता है वृत्त की त्रिज्या, समझ लीजिए ठीक से, क्लियर हो गया। अब आपको केंद्र का नियामक भी समझ में आ गया और वृत्त की त्रिज्या भी समझ में आ गया आसानी से। यदि आपसे पूछा जाए, गौर कीजिएगा, एक सवाल यहां पर लिख ही देते हैं क्लियर करके, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्षेत्रफल के लिए आराम से रुक जाइए, पूरा पहले हम इसकी जानकारी दे देते हैं, खासकर क्षेत्रफल ही नहीं, पूरा जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर में है पांच के स्क्वायर, ठीक है। यहां गौर कीजिएगा, यहां देखिए एक्स माइनस तीन, यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि माइनस जीरो है ना, कुछ नहीं इसका मतलब क्या है, माइनस जीरो है। तो यदि आपसे पूछे कि केंद्र का नियामक क्या है, केंद्र का नियामक क्या है, ठीक है, हाँ, वृत्त के केंद्र का नियामक क्या है, तो देखिए x का मान तीन हो गया और y का मान कितना हो गया जीरो, यानी केंद्र का नियामक हो जाएगा तीन कौमा जीरो, ठीक है, केंद्र का नियामक कितना हो जाएगा तीन कौमा जीरो। और यदि आपसे पूछे, ध्यान से देखिएगा कि इसकी त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या तो आपको समझ में आ रहा है, त्रिज्या इसका हो जाएगा पांच के बराबर ना, त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा पांच के बराबर। एक और सवाल मान लीजिए कि एक्स माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस चार का होल स्क्वायर बराबर छ का स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछे, यहां देखिए कुछ नहीं है एक्स के साथ तो यहां जीरो लिख सकते हैं आप ना। अब आपसे पूछे कि केंद्र का नियामक क्या है, देखिए यहां पर आपसे पूछे कि केंद्र का नियामक क्या है, गौर कीजिएगा केंद्र का नियामक, तो यहां देखिए एक्स का मान जीरो है और वाई का मान कितना है चार, तो केंद्र का नियामक हो जाएगा आपका पहले एक्स का मान बाद में वाई का मान, तो जीरो कौमा चार। और यदि पूछे कि इसकी त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका छह के बराबर। शायद आपका क्लियर हो गया होगा कि जब भी कभी आपसे जो है वृत्त का कोई समीकरण दे दे और आपसे उसको उसका केंद्र का नियामक पूछे और उसकी त्रिज्या पूछे, तो आप बेहिचक वो बता सकते हैं आसानी से, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगा, आसानी से बता दीजिएगा। अब आइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, आपको मालूम है बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आपको मालूम है कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको बता दे कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ट्रिक सबसे अंतिम में मिलेगा आपको, पूरा डिटेल पहले बता देते हैं उसके बाद आपको ट्रिक मिलेगा, और ट्रिक ऐसा है कि बस देखते ही आप आंसर बना दीजिएगा, ठीक है, बस इसको पहले जान लीजिए फिर आपको ट्रिक मिल जाएगा आसानी से। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो यहां पर जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है तीन और उसका स्क्वायर आपके पास है, सुनिए ठीक से, तीन स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान आपके पास है, बस उसी में क्या लगा देना है पाई, आर स्क्वायर का मान आपके पास है बस उसी में क्या लगा देना है पाई, तो आर स्क्वायर का मान नौ के बराबर, अब पाई लगा देंगे तो नौ पाई वर्ग मात्रक हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या बन गया, क्या बन गया ट्रिक, कि यदि आपका कोई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप का है, ठीक है, तो उसके बराबर में जो कॉन्स्टेंट आपको दिखेगा, ठीक है, उसके बराबर में जो कॉन्स्टेंट आपको दिखेगा यदि वो स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर करके अंक लिखना है, साथ में पाई लगाना है, आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यदि बिना स्क्वायर वाला है, जैसे यहां पर मान लीजिए कि 16 लिखा हुआ था तो स्क्वायर करके ही 16 लिखा है, क्योंकि 16 जो होता है चार का स्क्वायर होता है, ठीक है, हाँ। तो यहां पर जो आपका कॉन्स्टेंट होगा उस कॉन्स्टेंट को ज्यों का त्यों लिखना है, पाई लगाना है, वर्गमात्रक आपका क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है, हाँ। लेकिन ध्यान रखना है कि यह हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट का ही होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट का ही होना चाहिए, और ऐसा ही होगा। जैसे यहां देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 25 था, वाई स्क्वायर के साथ 25 था, तो ऐसे में मान नहीं निकालना है, आपको पहले चेंज करना है, यहां से 25 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 बटा में 25, तो यही ना कॉन्स्टेंट है, बराबर के दूसरे साइड जो कॉन्स्टेंट आपको दिख रहा है इसी में क्या करना है, पाई लगाना है, वर्ग मात्रक लिखना है, आपका आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो आशा करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल आपसे पूछेगा आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर इस पर चलेंगे। यह है आपके दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस पर भी चलेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए, एक बार आइए देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, आपको दिखेगा अभी। जस्ट सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81। अब गौर कीजिएगा, इसमें हम दो तीन सवाल क्लियर ही कर देते हैं। मान लीजिए कि आपसे सबसे पहले पूछे कि इसके केंद्र का नियामक क्या है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे केंद्र का नियामक, ठीक है, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है। केंद्र का नियामक क्या है, तो 0.0, क्योंकि यहां भी इसके साथ 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, यहां भी 0 है तो 0.0, ठीक है, केंद्र का नियामक 0.0। अब आपसे पूछे कि इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, तो हमेशा स्क्वायर देखना है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का ना, इसका मतलब है कि इसकी त्रिज्या कितना है, 9 है। अब आपसे पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो बस आर स्क्वायर, आर का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 पाई वर्ग मात्रक, या फिर डायरेक्ट यही लिख सकते हैं यहां पर, अब पाई वर्ग मात्रक, ठीक है, क्लियर हो गया। आपसे कुछ भी पूछेगा उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, चाहे आपसे केंद्र का नियामक पूछे, चाहे वृत्त की त्रिज्या पूछे, या उसका क्षेत्रफल पूछे, क्लियर हो गया। अब आइए इसको देखते हैं, यह क्या है, यह है आपका दीर्घवृत्त, ठीक है ना बुआ, यह है आपका दीर्घवृत्त, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, ठीक है, व्यापक समीकरण, वो ये होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण समझिए ठीक से, इधर दीर्घवृत्त का समीकरण देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1, ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है, ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1। अब इसका क्या मतलब है समझिएगा, इसका मतलब समझिए कि यह एक्स अक्ष पर जो है एक्स के बटा में ए आपको जो दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो दीर्घवृत्त है एक्स अक्ष पर उसकी त्रिज्या ए के बराबर है, ठीक है, और यहां वाई के बटा में जो बी दिख रहा है इसका मतलब है कि वाई अक्ष पर उसकी त्रिज्या बी के बराबर है। कुल मिलाकर यदि आप दीर्घवृत्त को देखेंगे तो दीर्घवृत्त जो आपका होता है, ठीक है, वो ऐसा चपटा बनता है, चपटा, ठीक है, चपटा कहने का क्या मतलब है कि इसकी त्रिज्या अलग अलग होती है, एक्स अक्ष पर अलग होती है और वाई अक्ष पर अलग होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा यहां पर, यहां है आपका 2 और यहां है 3, इसका मतलब है कि ये जो आपका दीर्घवृत्त है इसमें एक्स अक्ष पर है इसका त्रिज्या 2 और वाई अक्ष पर है इसका त्रिज्या कितना, 3, ठीक है, एक्स अक्ष पर है 2 और वाई अक्ष पर कितना है, 3, यानी यहां से ये 2 है आपका, यहां से ये 2 है और ये है आपका कितना, 3, तो निश्चित रूप से ये कम होगा और ये क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इस तरीके से इसका आकृति बनता है, ठीक है। इसमें ये कांस्टेंट आपको दिखाता है कि एक्स अक्ष पर कितना है और वाई अक्ष पर कितना है, क्लियर है, एक्स अक्ष पर कितना है वाई अक्ष पर कितना है। अब आप समझ लीजिए कि आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि ऐसे आकृति, ये जो आपका समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण में दिए गए वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा बाबू, क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो है इसका फॉर्मेट देख लेना है, ऊपर में एक्स स्क्वायर होना चाहिए और वाई स्क्वायर होना चाहिए, नीचे में कोई भी संख्या होगा वो स्क्वायर के रूप में हमेशा होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, जैसे आपको दिख रहा है यहां पर स्क्वायर के रूप में ही दिख रहा है ना, हाँ स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, यहां नहीं है तो यहां भी लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ 4 है और यहां वाई स्क्वायर के साथ कितना है, 9 है, इसमें क्या करना है आपको, बराबर के उधर तो एक ही चाहिए ना आपको, है हमेशा एक ही होगा, लेकिन इधर 36 है तो पहले इसको बटा में कर लीजिए, हो जाएगा 4x स्क्वायर और बटा में 36 और प्लस हो जाएगा आपका 9 वाई स्क्वायर बटा में 36 और बराबर कितना हो जाएगा 1, ये कट गया आपका कै बार, 9 बार, और ये कट गया कै बार, 4 बार, यानी कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 9 प्लस
वाई स्क्वायर बट्टा में चार बराबर में एक, और स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा तीन का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बट्टा दो का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण है हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा, और नहीं होगा तो आपको सजाना पड़ेगा थोड़ा सा इस फॉर्मेट में। जैसे ही आप इसको इस फॉर्मेट में सजाएंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों आपको मान दिख रहा है गुना करके उसमें पाई लगा दीजिएगा। जैसे दो को तीन से गुना करेंगे तो द्वितीय छाओ पाई वर्ग मात्रक, यहां देखिए चार पचे बीस पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, यहां देखिए तीन दुनी छाओ पाई वर्ग मात्रक। अब इस पर आधारित जो है एक दो सवाल इधर हम करके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिएगा। देखिए क्या है सवाल आपका हो जाए कि एक्स स्क्वायर बटा में 100 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 121 अब बराबर में है 1। ठीक है, आपको कहे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बटा में 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 121 को क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर अब बराबर में कितना हो गया 1। ठीक है, अब आपको कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए तो बस दोनों को आपस में गुना कर देना है 11 दहाई के 110 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 110 पाई वर्ग मात्रक, या मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बट्टा में है आपका 81 और प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में है 64 अब बराबर में कितना है एक, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में 81 को लिख सकते हैं 9 के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 64 को लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर अब बराबर में 1। बस दोनों को आपस में गुना करेंगे 972 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका हो जाएगा 72 पाई वर्ग मात्रक। तो आशा करते हैं कि जब भी इस पर आपसे सवाल पूछेगा ठीक है तो आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। कुछ और चीज आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये तो हो गया आपका, गौर कीजिएगा, ये तो हो गया पूरे के पूरे पार्ट का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि जैसे वृत्त के बारे में ज्यादातर पूछता है, इसमें तो नहीं पूछता है, वृत्त के बारे में पूछता है। ठीक है, पहले हम आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दें इसमें कि और क्या क्या सवाल पूछा जाता है। जैसे वृत्त आपका हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, अब आपको कहे कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसका कहे कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो कितना हो जाएगा 16 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है ना, लेकिन यदि कहे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब इतना समझ रहे होंगे आप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो अर्धवृत्त माने आधा, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 पाई वर्ग मात्रक। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 4 से भाग कर देंगे, 16 पाई में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई वर्ग मात्रक। आशा करते हैं कि आसानी से समझ में आ गया होगा। अर्धवृत्त पूछे तो आधा कर देंगे, ठीक है, यदि चतुर्थांश का पूछेंगे तो 4 से भाग कर देंगे। क्लियर हो जाएगा, किसी को दिक्कत है नहीं ना? आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बहुत ही अलग टाइप से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी दिया गया है, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने पड़े तो उस सवाल का आप आंसर तुरंत तुरंत निकाल के आसानी से जो है एग्जाम में बहुत कम समय में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, आज ही शाम में 7 बजे, हर रोज शाम में 7 बजे आप लोग के लिए जो है 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो सीरीज लगातार चलता रहेगा। और दोपहर में जो ये वीडियो आपको मिल रहा है, हर रोज 2 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलेगा जो आपको इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मिलाकर, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा इसी तरीके से एक एक करके। ठीक है, धन्यवाद।